हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी होने वाली है फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो यहाँ पे हाफ लीटर दूध लेंगे, यहाँ पे लेंगे बॉयल किया हुआ ही दूध लिए हैं, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध को बॉयल आने तक फिर पका लेना है दूध को। यहाँ पे देखिए बॉयल आने तक के लिए इसको पकाएंगे यहाँ पे। तो जब तक ये बॉयल आएगा दूध में, तब तक हम लोग यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को क्या करेंगे, घोल लेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लेंगे, उसके बाद इसमें 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद, तो यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। आपको जितना मीठा खाना पसंद है उतना डालिएगा। यहाँ पे 2 चम्मच हम डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 3 से 4 चम्मच इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, लेकिन कम पसंद है तो कभी डालिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कस्टर्ड घोले थे इसको हम लोग धीरे धीरे इसमें डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें नीचे से सटेगा नहीं। यहाँ देखिए इस तरह से, और उसके बाद अब इसको हम लोग लगातार चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तरह से चलाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो गया। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें कि हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे के लिए, ठंडा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना थिक हो चुका है, ये इस तरह से देखिए कितना थिक हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक जगह पहले। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ फ्रूट्स लेंगे, आपके पास जो भी है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केला है, अनार है और अंगूर है। तो यहाँ पे केला भी स्लाइस में काट दिए हैं, तो इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे, और अंगूर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो यहाँ पे सबको अच्छे से इसमें डाल देंगे, सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, चिया सीड डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच चिया सीड है, उसको इसमें डालेंगे। आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सब चीज़ डाल के अच्छे से इसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया है यहाँ पे कस्टर्ड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, तो जिससे देखने में ये कलरफुल अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे कुछ अंगूर के टुकड़े हैं, उसको एक एक करके इस तरह से लगा दीजिए, और कुछ अनार के दाना है जो, उसको भी इस तरह से इस पर ऊपर से सजा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, कितना यमी लग रहा है, बहुत ज़्यादा यमी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा अनार इसमें ऊपर से डाल दिए हैं। तो देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।